आज का जो हमारा विषय है वो है ये जो महीना है दिसंबर का महीना, और इस दिन सभी लोग जो है बड़े धूमधाम से क्रिसमस को मनाते हैं। हम विश्वासी लोग को क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इस पर आज हमारा विषय है। तो क्रिसमस मनाना या नहीं मनाना ये आपका खुद का निर्णय है, ठीक है। लेकिन इसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इस पे मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप ये क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग जो विश्वासी लोग हैं क्रिसमस मनाना है कि नहीं मनाना। क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं क्रिसमस मनाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो एक तारीख जो है 25 दिसंबर, ये जो तारीख अगर आप सोचते हैं तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो हमको मनाना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये 25 दिसंबर है ये जो है एक पक्की तारीख नहीं है कि इसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और कई विद्वान लोगों ने इस तारीख को खोजा है और संसार ने इसे ग्रहण भी कर लिया है कि इसी दिन यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ है। तो अगर आप तारीख को महत्वपूर्ण करके यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो ये गलत है, और क्योंकि तारीख महत्वपूर्ण नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को सम्मानित करने के लिए जो है यीशु मसीह को सम्मानित करना चाहते हैं इसीलिए उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन मनाकर आप यीशु मसीह को सम्मानित नहीं कर सकते हैं। तो फिर कोई और दृष्टिकोण है क्या जिसके द्वारा हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना सकते हैं, या फिर ये दृष्टिकोण या उद्देश्य है जिससे हम क्रिसमस मना सकते हैं? तो देखते हैं हम, क्या हम अपने घर परिवार में किसी का जन्मदिन मनाते हैं? आप कहेंगे हाँ, हम अपने दोस्त का जन्मदिन मनाते हैं, परिवार में छोटे बड़े किसी का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो हम उसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमें खुशी होती है और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें किसी को गिफ्ट स्वरूप हमारे परिवार में भेजा है, और इस परिवार में जब कोई हमारे साथ आए तो हम उसको उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो क्या यीशु मसीह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? परमेश्वर भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो क्या यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है? यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आइए हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन में क्या देखते हैं हम लोग। वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, और अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणी थी ये यशया की पुस्तक में 700 साल पहले ही दे दी गई थी, यानी एक उद्धारकर्ता का जन्मदिन होगा, है ना। तो एक परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को भेजेगा और वो सारे जगत के पापों को उठा लेगा, और क्या करेगा, अनंत काल का जीवन का मार्ग वो सभी के लिए खोल देगा। हालेलुया, यानी अनंत काल का जीवन का मार्ग खोल देगा। तो भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह का जन्मदिन होना था, यीशु मसीह का जन्म होना था जिसके द्वारा सारे जगत के पापों का जो है उद्धार हो सके। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं क्रिसमस मनाना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं, आए हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 14वां अध्याय उसका 4 से लेकर 8 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। जो किसी दिन को मानता हुआ प्रभु के लिए मानता का वचन रोमियो 4:14 के 4 से लेकर 8 वचन में क्या देखते हैं कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। दूसरे का सेवक मतलब यह ना यीशु मसीह का सेवक, हम सब यीशु मसीह के सेवक है, तो हमको एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है ना। तो जब हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं ये छोटी मोटी बातें, हमें क्रिसमस मनाना नहीं मनाना ये सब एक छोटी मोटी बात। तो पौलुस यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि हमको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है कि तू मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर साफ कर रहा है, कोई एक दिन को मानता है कोई नहीं मानता है, कोई जो को प्रभु के लिए मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो प्रभु के लिए नहीं करता वो प्रभु के लिए नहीं करता। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिनके जिन जिनके लिए हम लोग उनको दोष नहीं लगाने एक दूसरे पर, ठीक है। उसी तरह हम कुलुसियों उसका 2वां अध्याय वचन 16 में हम देखते हैं, इसीलिए खाने पीने या पर्व या निश्चित चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, है ना। तो यहाँ पर साफ शब्द शब्द में लिखा है खाने पीने के लिए या पर्व त्योहार जो है ईस्टर मनाते हैं लोग, वो और जो जो बाइबल में पर्व दिए गए पर्व थे उस समय में पुराने जमाने में हम देखते हैं
बोने का पर्व था, कटाई का पर्व था, भेंट का पर्व था, बहुत सारे पर्व को देखते हैं। तो ये परमेश्वर यहाँ पर बोलता है तुम किसी का फैसला मत करो, है ना। तो मैं भी आपका फैसला नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्रिसमस मनाना है कि नहीं मनाना है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कुछ बातों को जिसके द्वारा आप कन्फर्म हो जाएंगे कि हमको क्रिसमस मनाना है कि नहीं मनाना है। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि तो फिर हम कैसे फिर जन्मदिन मनाना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो है फिर हमारे पास सवाल उठता है कि हमको हमको जो है यानी अब यीशु मसीह का जन्म तो हुआ है और हमको दोष भी नहीं लगाना है कि यानी हम लोग बाइबल में लिखा भी नहीं है कि कहीं क्रिसमस मनाना चाहिए। तो फिर क्या हम विश्वासियों को क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ तरीके हैं जो जिसके जो हमको क्रिसमस नहीं मनाना है। जैसा जैसा लोग मनाते वैसा नहीं, जिस तरह से लोग मनाते हैं संसार मनाता है हमको उस तरीके से नहीं मनाना है। बेलगाम पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बेढंगा नाच नाच करते हैं, इस तरह का हमें नहीं मनाना है। या फिर सेंटा क्लॉज जैसा सफेद लाल कपड़े पहन लेते हैं, या फिर क्रिसमस ट्री को सजा देते हैं, या फिर घर के अंदर बड़ा तारा लगा देते हैं, ये सब एक चिन्ह हो गया क्रिसमस मनाने का। तो ये ऐसे सब चीज़ें हमको नहीं करना है, नहीं विश्वासियों को ये सब चीज़ें नहीं करना है ना। ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि क्योंकि आप जब ये सब चीज़ें करते घर में एक तारा लटका देते हैं, क्रिसमस ट्री जो जब पेड़ होते हैं उसे उसे उस उसको सजाते हैं, या फिर सांता क्लॉज बनते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, सांता क्लॉज, सांता क्लॉज है क्या? लोग सोचते हैं कि ये सांता क्लॉज का ही जन्मदिन है। अगर आप छोटे बच्चों को पूछेंगे कि क्रिसमस में क्या करेंगे तो वो आपको बोलेगा हम क्रिसमस में हमें गिफ्ट मिलेगा, सांता क्लॉज आएगा हमको गिफ्ट देगा, हमें गिफ्ट देगा। और जो अविश्वासी उनको मालूम ही नहीं रहता कि क्रिसमस है क्या। तो बहुत सोचने वाली बात है हम विश्वासियों को, है ना, क्रिसमस यानी क्या है ना। बड़ा एक अजीब हो जाता है, जो विश्वासी है उसको तो पता ही नहीं रहता कि क्रिसमस यानी क्या होता है। वो सिर्फ यही देखता है इन लोग का त्यौहार है और ये एक तारा लटकाते हैं और सांता क्लॉज जैसा कुछ आता है और एक इनका क्रिसमस ट्री होता है उसको सजा देते हैं, बस इतना ही पता रहता है। लेकिन एग्जैक्ट क्रिसमस यानी क्या, हालेलुया, इसको बहुत जानना जरूरी है। अविश्वासियों को पता ही नहीं रहता, उन लोग जानते ही नहीं क्रिसमस यानी क्या। क्रिसमस यानी उद्धार का सुसमाचार, है ना, उद्धारकर्ता का सुसमाचार। और जो है बहुत सारी चीज़ें जो अविश्वासियों को पता नहीं चलती, है ना। तो सबसे पहले हमें क्रिसमस में ये दारू पार्टी ये पार्टी नहीं करना, क्योंकि बहुत लोग जब क्रिसमस आता है तो आपने भी सुना है क्या आपके दोस्त मित्र भाई बहन बोलते हैं, अरे भाई क्या प्लान है तेरा इस क्रिसमस में, है ना, क्या हमको कहाँ लेके जाएगा तू, है ना, क्या पिलाएगा हमको तू, क्या खिलाएगा हमको तू। तो ये खिलाने पिलाने की बात आ जाती है यहाँ पर क्रिसमस का, क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह क्रिसमस, है ना, कि यीशु मसीह का जन्मदिन हम देखते हैं, पहला क्रिसमस हम देखते हैं। तो पहला क्रिसमस जब हुआ था तो जो यीशु मसीह था जब उसका जन्म हुआ तो वो चरनी में, गाय के कोठे में उसका जन्म हुआ था और चरनी में रखा गया था। और जब वो चरनी में रखा गया था तो स्वर्गदूत वहां पर आए उसको देखे और वो वहां से जाते हैं और गडरिये जो रहते हैं, जो चरवाहे रहते हैं उनके पास जाते हैं। तो गडरिये जो रहते हैं वो डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखा था। तो गडरियों को जो है वो स्वर्गदूत बोलते हैं कि डरो मत, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आनंद का सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए दाऊद नगरी में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो क्यों गडरियों के पास ही गए वो, क्यों गडरियों के पास गए, है ना, गडरियों को क्यों दिखाया, क्या कोई और नहीं था जिनके पास सुसमाचार पहुंचना चाहिए था? नहीं, गडरिये का एक विशेष महत्व है उसमें, आप ध्यान देना, विशेष महत्व। गडरिये जो रहते हैं वो हरी हरी चराइयों में अपने भेड़ों को चराते हैं और वो एक जगह कभी भी नहीं रहते, वो आज इस शहर में, कल उस शहर में, परसों उस शहर में। और इसीलिए परमेश्वर का सबसे पहला वचन उनके पास पहुंचा, गठरियों के पास, स्वर्गदूत उनके पास गया और उनको कहा डरो मत, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो इसलिए उनको दिया गया कि ताकि जब उन लोग सुनकर उसको देखे, वो गए यीशु मसीह को देखने के लिए ना, उस सुसमाचार को उन लोगों ने खुद देखा। और जब वो वापस आए होंगे तो वो तो वहां रहे नहीं, उन लोग और कहीं चले गए होंगे।
तो जब वो जहां गए होंगे तो क्या उन्होंने ये बताया नहीं होगा कि हमने स्वर्गदूत को देखा, उन्होंने हमसे बात की है, एक सुसमाचार, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो भविष्यवाणी हुई थी 700 साल पहले के एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। तो फिर देखिए कितना आनंद था उनको, क्या सुसमाचार क्या मिला उनको, क्रिसमस गिफ्ट में क्या मिला, स्वर्गदूत वहां पर आए, है ना, पहला पहला क्रिसमस स्वर्गदूत गडरिए। तो वैसा ही हम देखते हैं कि पूर्व से भी कई ज्योतिष आए थे, वो जब वो उनको तारा दिखा था, वो तारा देखते 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 उन लोग उस जगह में पहुंचे जहां यीशु मसीह था। वो उसे देखकर वो झुके, प्रणाम किए और बहुमूल्य चीजें उसे प्रदान किए, उनको लोबान, सोना, गंधरस, ऐसी चीजें उसको भेंट की। तो पूर्व से कई ज्योतिष आए, वो क्यों आए थे, है ना, परमेश्वर ने क्यों उनको बुलाया था वहां पर कि उद्धारकर्ता का जन्म हो, वो क्यों आए थे वहां पर, क्योंकि वो साक्षात उसको देखे। और जब वो वापस जाए तो क्या शांत रहे होंगे क्या, नहीं, उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया होंगे, उन्होंने जो भविष्यवाणी हुई थी, उन्होंने जो तारा देखा था, उनको उन्होंने साक्षात देखकर जब वो वापस अपने गांव गए, अपने शहर गए होंगे, वहां पर बताए होंगे उन्होंने कि हमने जिसका तारा देखा था, जो उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला था, हमने उसको देखा है। तो क्या वो अपने गाँव अपने शहर जाकर उन्होंने किसी को बताया नहीं होगा, जरूर बताया होगा। तो ये था पहला सुसमाचार। हालेलुया, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था, है ना। स्वर्गदूत आए थे, स्वर्गदूत उसके देखने आए थे, गडरिये उसको देखने आए थे, और उसको देखकर उसका सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में इसीलिए तो भेजा था कि जो वो पिता से सीखा वो हमको बताए सुसमाचार क्या है, मन फिराओ, है ना। वो यीशु मसीह को जाने, लोग यीशु मसीह को जाने, उस समय के लोग यीशु मसीह को जाने, शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह को जाने, इजरायली लोग यीशु मसीह को जाने, यहूदी लोग यीशु मसीह को जाने, अन्य जाति यीशु मसीह को जाने, सामरी लोग यीशु मसीह को जाने, कोढ़ी लोग, अशुद्ध लोग, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग यीशु मसीह को जाने थे। ये है असली सुसमाचार। चंगाई लोगों को मिले, ये है असली सुसमाचार। उद्धार लोगों को मिले, ये है असली सुसमाचार। लेकिन आज आप और मैं क्रिसमस कैसे मना रहे हैं, है ना। क्रिसमस जो है ये कोई ऐसा तारीख है जिसे संसार ने ग्रहण कर लिया है। इस तारीख में यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो था बड़ा आनंद का सुसमाचार। तो आपको क्रिसमस मनाना चाहिए, पर कैसे मनाना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया हमको कैसे नहीं मनाना। जैसे संसार मनाता, पार्टियां करता है, दारू पीते हैं, अब बेढंगे नाच नाचते हैं, खुशी मनाते हैं खूब, ऐसा ये सब क्रिसमस नहीं है। असली क्रिसमस मैंने आपको बताया, पहले आगमन, पहला यीशु मसीह का जब जन्मदिन हो, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे का जन्मदिन कैसे मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया, स्वर्गदूत आए, गडरिये आए, पूर्व से ज्योतिष आए, ये हम देखा। तो हम विश्वासी लोग को कैसे मिले, हम क्यों 25 तारीख, जब ये संसार ने इस 25 तारीख को ग्रहण नहीं कर लिया है कि 25 तारीख यानी क्रिसमस, तो आप चौक में जाकर प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप बाजारों में जाकर, अगर आप अच्छा गाना गाते हैं, आपकी क्वायर टीम है, तो आप बाजार में जाके खड़े होकर साउंड सिस्टम लगाकर प्रभु के गीत को गा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मार्केट में जाके पर्चे बांट सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इनका त्योहार चल रहा है। उस दिन आपको कोई रोक टोक वाला नहीं रहेगा, कोई मारने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक तारीख है जिसे संसार ने ग्रहण कर लिया है कि इस तारीख में यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ। लोग क्रिसमस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ है। तो आपके लिए, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है ना, कि हम क्रिसमस मनाएं। लेकिन कैसे, सबसे प्रेज द लॉर्ड ले, उनको यीशु मसीह के बारे में बताए, सुसमाचार, खुशखबरी, उद्धारकर्ता का जन्मदिन, इस तरीके से हमको मनाना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करें। आमीन।